दोस्तों, थोड़े टाइम पहले मैंने इस चैनल पे एक एडवांस मेडिटेशन टेक्निक की बात करी थी जिससे काफ़ी लोगों की हाइट बढ़ी है। बट अगर आप उस वीडियो पे जाए और कमेंट सेक्शन पे नज़र मारे तो आप देखेंगे कि उस वीडियो पे 16,000 से ज़्यादा कमेंट आए हैं और तुम्हारे भाई ने ऑलमोस्ट हर कमेंट का जवाब दिया है, ऑलमोस्ट हर कमेंट का। और पर्सनली गाइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लोगों के सवालों का जवाब देने में। इनफैक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लोगों की मदद करके, क्योंकि गाइस एक टाइम था जब मैं भी काफ़ी यूट्यूबर से सवाल पूछता था बट मेरे कमेंट्स का कभी रिप्लाई नहीं आया। इसलिए गाइस मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके कमेंट्स का या आपके सवालों का जवाब देने में। बट गाइस, दिक्कत तब आती है जब लोग सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं और जब एक्शन लेने की बात आती है, काम करने की बात आती है, तो वो भाग जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे गाइस लोग सवाल पूछते हैं, जैसे वो टेक्निक हो गई, उस पर लोगों ने मेरे से पूछा कि वो बैठ कर करनी है, खड़े होकर करनी है, सुबह करनी है, शाम को करनी है, खाना खा के करनी है, खाने से पहले करनी है, या 25 साल के बाद बढ़ती है, 21 साल के बाद बढ़ती है हाइट या नहीं बढ़ती। मतलब छोटे छोटे सवाल जिनका कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो पूछ रहे हैं। गाइस, वो टेक्निक आप कभी भी करें, सुबह करें, शाम को करें, खड़े होकर करें, बैठ कर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट उसे सेम टाइम पे करें। और पर्सनली गाइस, मैंने वो टेक्निक बैठ कर करी थी, बट अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके देखें उस वीडियो में, तो काफ़ी लोगों ने उस टेक्निक को खड़े होकर करके भी रिजल्ट पाया है। और एज की भी गाइस बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि 21 या 25 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। गाइस, आप खुद कमेंट सेक्शन में जाके देखें, लोगों की 25-26 साल के बाद भी हाइट बढ़ी है उस टेक्निक से। तो गाइस, मुझे लोगों के सवालों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है जब लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं और सिर्फ सोचे जा रहे हैं, कभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई काम नहीं कर रहे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शुरुआत, वो नहीं कर रहे। पर्सनली गाइस, मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे अपनी हाइट इंक्रीज कर थी, कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। गाइस, मुझे ये पता था बचपन से कि लटकने से हाइट बढ़ती है, तो मैंने लटकना स्टार्ट किया। आपने भी ये सुनी होगी बात, बचपन से हम सुनते रहते हैं कि जितना लटकोगे हाइट बढ़ेगी। तो गाइस, मैंने लटकने से स्टार्ट किया और तब मेरे हॉस्टल में था जिम, तो मैं रोज़ शाम को लटकता था। और गाइस, फिर मैंने धीरे धीरे जैसे जिम ज्वाइन किया तो मुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में पता चला कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली होता है कि अगर आप मान लो आज की तारीख में 5 किलो का डंबल उठा रहे हैं बाइसेप्स के लिए, अगर आप 1 साल बाद भी 5 किलो का डंबल उठाते रहे तो आपके बाइसेप बड़े नहीं होंगे साइज में। आपको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 प्रोग्रेस करना पड़ेगा अगर आप बड़े बाइसेप्स चाहते हैं। और गाइस, ये कंसेप्ट मैंने फिर हाइट पे लगाया, मैंने वेट के साथ लटकना स्टार्ट किया, जिसकी मैंने एक पिछली वीडियो में बात करी है, वेटेड हैंगिंग की। और गाइस, इस एक्सरसाइज की बात शायद ही किसी ने पूरे यूट्यूब पे करी हो, आपने शायद पहली बार देखा होगा मुझे यूट्यूब पे उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। और गाइस, एक्सरसाइज के बाद फिर मैंने थोड़ी रिसर्च डाइट पे भी करी कि क्या मैं खाऊं जिससे मेरी हाइट बढ़े और बॉडी भी बन जाए, वो सेकेंडरी गोल था, बट हाइट का मेन गोल था मेरा। और मैं गाइस रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा था गूगल पे, और जो स्टडीज़ हुई है उस पे मैं फोकस करता था कि किन न्यूट्रिएंट्स से आपकी हाइट बढ़ती है। तब मुझे विटामिन डी, जिंक, कैल्शियम के बारे में पता चला। और गाइस, फिर मैंने ये कोशिश करी कि मैं ये 3 न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट से लूँ, और जो हमारी हॉस्टल की डाइट होती थी वो काफ़ी बेकार होती थी। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको पता होगा कि हॉस्टल में भाई 3rd क्लास खाना मिलता है, और मैस में गाइस हमें सिर्फ सुबह दूध मिलता था और वो दूध क्या पानी होता था। इसलिए गाइस मैंने फिर शाम को और रात को दूध की थैली लेना स्टार्ट किया, वो मैं रोज़ पीता था। और इनफैक्ट गाइस, दूध मैं आज भी रोज़ पीता हूँ। और इसलिए गाइस मैंने डाइट पर अपने थोड़े पैसे लगाए हॉस्टल के बाहर। और डाइट के बाद गाइस मुझे काफ़ी लेट पता चला कि स्लीप भी काफ़ी ज़रूरी होती है हाइट इंक्रीज करने के लिए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई तुम सोगे तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, जितना ज़्यादा सोगे उतनी जल्दी हाइट इंक्रीज होगी। ये गाइस मुझे काफ़ी महीनों बाद ही बात पता चली कि भाई स्लीप काफ़ी ज़रूरी है हाइट इंक्रीज करने के लिए। और जो गाइस हॉस्टल में रहते हैं लोगों ने पता होगा कि 2 बजे से पहले कोई सो ही नहीं सकता हॉस्टल में, अगर तुम सोना भी चाहोगे तब भी तुम्हारे रूममेट या पड़ोसी उठा के उठा देगा।
तो इसलिए गाइस स्लीप एक तरह से मेरे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि रोज़ 8 घंटे सोना। मैंने फिर थोड़ा अपना पैटर्न चेंज किया, 12 बजे से पहले सोने की कोशिश करी, और सुबह की मेरी जो पहली क्लास होती थी वो कई बार मिस हो जाती थी। मैं आराम से 8:30 बजे उठता था और 9 बजे मैथ्स बंद हो जाती थी, इसलिए मैं नाश्ता करके दूसरी क्लास अटेंड करता था 9 बजे वाली। 8 बजे वाली मैं काफ़ी बार छोड़ देता था। और गाइस ये 3 चीज़ें एक्सरसाइज, स्लीप और डाइट मैं आज की तारीख में भी फॉलो कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 4-5 साल हो गए चीज़ें फॉलो करते हुए। हालांकि जो मेरी डाइट है वो काफ़ी डिफरेंट है आज की तारीख में। अब मैं बॉडी बनाने के लिए खाता हूँ, हाइट इंक्रीज़ करने के लिए नहीं। और जो मेरी एक्सरसाइज रूटीन है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। बट जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। मैं आज भी 12 बजे पहले सोता हूँ। और गाइज ये चीज़ें फॉलो करते हुए मुझे 4-5 साल हो गया है, जिस वजह से मेरी हाइट भी आज काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 6-1 मेरी हाइट है, और बॉडी भी काफ़ी अच्छी है, आपके सामने है जो भी है। और गाइज वो मेडिटेशन टेक्निक मैंने काफ़ी टाइम बाद फॉलो करना स्टार्ट किया था, वो भी सिर्फ 3-4 महीने के लिए। उसके साथ मैंने कुछ आलतू फालतू चीज़ें भी फॉलो करी थी जिनसे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बट वो टेक्निक मैंने सिर्फ 3-4 महीने के लिए फॉलो करी थी। और मैंने उस वीडियो में भी आपको यही कहा कि आप 3-4 महीने के लिए फॉलो करें, क्योंकि वो एक तरह से टेम्परेरी टेक्निक है, उसके साइड इफेक्ट होंगे लॉन्ग टर्म में। और गाइस शुरू में जब मैंने वो टेक्निक फॉलो करी थी तो मुझे पता नहीं था कि भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं बस उसे करता रहा, थोड़े टाइम बाद मुझे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ। और यही मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप स्टार्ट तो करो, पहला कदम तो उठाओ, उसके बाद अपना रास्ता आप खुद नाप लोगे। और उस टेक्निक के साथ गाइस आप मेक श्योर करें कि आप एक बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज रोज़ कर रहे हैं, और रोज़ एटलीस्ट 7-8 घंटे सो रहे हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आज से ही शुरुआत कर रहे हैं, कल पे नहीं डालनी है बात, आज से ही शुरुआत करो। और अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।